السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير شبابكم من تشبه بكهولكم وشر كهولكم من تشبه بشبابكم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله، كما هو أهله ومستحقه. والسامعين الكرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. آج کا ہمارا جلسہ
एक ख़ास उन्वान के तहत मुनक़िद है। उन्वान है मौजूदा हालात, नौजवानों की ज़िम्मेदारियाँ। वक्त की ज़रूरत भी है, उन्वान बहुत सही भी, उन्वान के तहत बात करने से पहले नौजवानों के नाम एक छोटी सी नज़म समाप्त करें, गौर से सुने, इसलिए कि अशआर ही पूरी तकरीर का तकरीबन खुलासा है। दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको अशआर समझा दे। शहवत का जोर है तो इबादत पे जोर दे, इबादत पे जोर दे। बोलो काते भी बोलो, आई कि नहीं ही मालूम ही छोरानी। ना सलाम का जवाब है, ना दुरूद जोर से पढ़ रही, ना माशाल्लाह बोल रही, ना अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही, कम से कम इन्ना लिल्ला तो बोलो। शहवत का जोर है तो इबादत पे जोर दे, इबादत पे जोर दे। जब तक क्या भी नहीं बोलते, बस छुट्टी तो भी छुट्टी, पूरी रात ये शेर पढ़ते क्या बोला ना? क्रिकेट देखते, सिक्स मारिया तो थालियां मारते, बोल करया तो थालियां मारते, सियासी जलसों में झूठ बोले तो थालियां मारते, मौली साहबा कुरान पढ़े, नात पढ़े, बयान करे, अशार पढ़े, पैसे दिए नहीं तो जाता सुभान अल्लाह भी नहीं बोलना। क्या बोला ना? शहवत का जोर है तो इबादत पे जोर दे, इबादत पे जोर दे। बोले सभी बोले, गलत बोले। कुछ अशार सुभान अल्लाह माशाल्लाह बोलने के होते, कुछ अशार अल्हम्दुलिल्लाह बोलने के होते, कुछ अशार अल्लाह अकबर बोलने के होते, कुछ अशार इंशाल्लाह बोलने के होते। दुनिया में ये वाहिद मजहब है जो हर कदम पर रहनुमाई करता है, कब क्या बोलना वो भी सिखाता है। खाना खाने की दुआ, खाने के दरमियान की दुआ, खाने के बाद की दुआ, सोने की दुआ, सोने के उठने के बाद दुआ, कपड़े पहनने की दुआ, खुशी में पढ़ने की दुआ, गम में पढ़ने की दुआ, परेशानी में पढ़ने की दुआ, मुसीबत की खबर सुने तो पढ़ने की दुआ, हादिसात देखे तो दुआ। दुनिया में ऐसा मजहब नहीं है, अल्लाह का करम उसका शुक्र है कि बगैर मेहनत के अल्लाह ने हमको इसके आगोश में पैदा किया है। नौजवाना समझ में आ रही है बात? सीखे तो सब आता, नहीं सीखे तो कुछ भी नहीं आता। घर में बेटा पैदा हुआ, जाको मौलाना को बोले, हजरत तुम्हारी दुआ से बेटा पैदा हुआ बोलकर।
मौलाना इन्ना लिल्ला बोले, सही की गलत? अरे बोलो भाई, अभी मुझे समझ में नहीं आया, सही गलत? गलत क्यों? इन्ना लिल्ला का जुमला हमारे नजदीक बड़ा हौला, क्या भी सुनता नहीं, इन्ना लिल्ला सुन लिया तो समझ जाता कौन क्या उठ हुआ है। मैं भी मौली साहब बात कर ले करते, मौजू मालूम नहीं, अल्फाज सुनिया नहीं, जुमले सुनिया नहीं, बात सुनिया नहीं, मौलाना की मई की दोनों में से कौन थी भी एक बीच में इन्ना लिल्ला, क्या हजरत किसका इंतकाल होगा? इन्ना लिल्ला कोई डरावनी जुमला नहीं, मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सबके दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसीबत पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने वाला कलिमा अल्लाह तबारक व ताला किसी नबी और नबी की उम्मत को अता नहीं किया। अल्लाह ने अपने फजल से मुझे और मेरी उम्मत को ये जुमला अता किया। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। वो बोले नहीं, को बोल को यहां तक आया, अब भी नहीं बोले तो क्या कर को मरूं। दूसरे नबियों की उम्मत पे मुसीबत आती, हाय हाय हाय, लेकिन मेरे आका ने फरमाया, तुम्हें कोई तुम्हारी नापसंदीदा चीज वाकई हो जाए तो तुम अपने जुबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहो, ये जुमला तुम्हारे दिलों की तसल्ली का सबब बनता है। तुम ही तुम्हारी कोई नापसंदीदा चीज वाके हो जाए तुम पर तो इन्ना लिल्ला कहो, जो चीज तुम्हारी गुम हुई है या तुमसे छूटी है इस जुमले के बदले अल्लाह बेहतरीन चीज अता फरमाती है। ये खाली मुसीबत पर पड़ने वाली चीज, मौत पर पड़ने वाली चीज नहीं है, मुसीबत पर यहां तक के करंट भी चला गया तो इन्ना लिल्ला पढ़ना ये तजुर्बा है, बहुत जल्द उजाला वापिस आता है। तुम्हारे घर में औरत आई नहीं? पूरे हिंदुस्तान के हर घर वाले के पास घर वाली है सिवाय एक आदमी के, नहीं नहीं एक नहीं, गलती होगी, अब दो हो गए। बड़े अंकल के पास भी घरवाली नहीं, छोटे अंकल के पास भी घरवाली नहीं, औरतों की एक आदत है, जिहालत है कि घर में करंट चलेगा तो बिस्मिल्लाह कहते। करंट चलेगा तो भी इन्ना लिल्ला बोलना, क्योंकि इस्लाम में अंधेरा पसंद नहीं। इस्लाम को उजाला पसंद, खबर अंधेरी। आखा ने फरमाया, आमाल ऐसे करो कि तुम्हारी खबर तुम्हारे आमाल से उजाली हो जाए। जहन्नम भी अंधेरी, यहां दुनिया में जो आग देखते हैं जल जल कर उजाला नजर आता है, लेकिन जहन्नम की आग, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, जहन्नम की आग का कलर लाल नहीं, काला काला। इसीलिए हर नमाज के बाद हम एक दुआ पढ़ते हैं, इमाम साहब एक दुआ पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व किना अज़ाबन।
النار اے اللہ ہم کو دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما بالخصوص ہم کو جہنم کی آگ سے بچا ربنا آتی نہ پڑھنے آتا ارے آتا نہیں آتا زبردست دعا ہے زبردست کبھی مولانا سے مفتی صاحب سے دیگر علماء سے اس کی تفسیر معلوم کرو انشاءاللہ تعالی ایسی گہری تفسیر آئے گی آپ کو تعجب میں پڑ جائیں گے کہ اللہ اکبر ہم نے کبھی اس کی حقیقت کو سمجھا نہیں اندھیرا اسلام کو پسند نہیں ہر دور میں اجالا تھا چراغوں کا اجالا تھا اب تو ایسی لائٹیں آ گئے ہیں اور ایسے آ گئے ہیں یہ بھی دھوکے باز ہیں دیکھو ہمیں کتنے گورے دکھ رہی نہیں بولے نا پہلے کے اجالوں میں حقیقت تھی اب کے اجالوں میں دھوکا ہے نہیں بولے نا اور اس کا تجربہ ہمارے نوجوانوں کو بہت اچھا ابھی تقریر شروع کریا نہیں میں اشعار پڑھنا عنوان میں آنا خالی تمہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ وہ بولے نہیں بولے بھی تو غلط بولے نہ بول کو یہاں پھر لے کر ہنسو پہلے کے اندھیرے میں بھی حقیقت اور صداقت تھی پہلے کے اجالے میں بھی حقیقت اور صداقت تھی اب کے اجالے میں بھی دھوکا ہے اور اس کا تجربہ ہمارے نوجوان کو اچھا ہے شادی کو جاتا شادی محل میں تو اتنی میں پردہ ہے دوسری جگہ پردہ نہیں اور شادی محل میں جب ایک دوسرے کے درمیان پردہ نہیں کسے کی دیکھ کو یہ گھوگو پسند کر لیتا پورا یقین ہوتا کیا کلر رے بابا اب تک دیکھا ٹینا ایسا ہاتھ کھڑے کھڑے قسم الگ کھاتا اما کی قسم کریا تو اسے کرتا ہوں نہیں تو مودی کی سگا رکھ کو مر جاتا ہوں آکو ایک پاؤں میں کھڑ جاتا اما بھیج رشتہ پوچھ جا شادی کرنا ہے مجھے میرے سے پہلے کسی کا پیغام نہ آ جائے صورتیں دیکھ کر مرنے والوں اگر تم سیرتیں دیکھ کر مرتے تمہارے گھر کا ہر بچہ اللہ کا ولی ہوتا یہ صورتوں کی رونقیں یہ صورتوں کا رنگ یہ صورتوں کا روپ اور یہ صورتیں ہر سیکنڈ بدلتی رہتی ہیں خود کو محسوس ہوتا ہے ہماری اپنی تصویر جو 5 سال کی تھی اب اٹھا کر دیکھے تو ہم پہچان نہیں سکتے ہمیں بڈھے ہو جانے کے بعد جب ہمارے بچوں کو بتاتے دیکھو ماں تمہارے ابا کیسے تھے کو دیکھو بیٹے ابو تمہیں کیسے تھے نا ابو کیر ایسا بول رہا ہے نہیں ابو ایسے بھی رہتی ہیں کیا ایسا آپ میں ایک دیوانہ دیکھا اتنی میں موجودہ صورت کے سامنے گزری ہوئی صورت بڑی عجیب نظر آتی ہے صورتوں پہ نہ مر مٹو سیرتوں کو قبول کرو کلر باقی رہتا نہیں کلر چلا جاتا ہے صورتیں بدل جاتی ہیں سیرت دیکھو سیرت خیر قسم کھا لیتا کریا تو اسے کرتا ہوں بچہ بولے نہ بول کو جا کوئی نہیں رشتہ بھی پوچھتی اماں رشتہ قبول بھی ہو جاتا شادی بھی ہو جاتی شادی کے دن بھی پار ہو جاتا بلکہ اور بھی گوری دکھتی کیونکہ تو وہ اس کا دن ہے نا میک اپ کا دوسرے دن کیا کی کام سے جا کو واپس آیا تو مہوری سے دودھ جالے کو رہتا پریشان ہوتا کون جا کو حمام میں دودھ گرا دے لے سیدھا گھر کو جا کو پوچھتا کیا قصہ دودھ حمام میں گرا دے لینا
नहीं ना, दूध हराम में हमाम में गिरा ही नहीं ना, नहीं बाहर मोहरी में दूध ही दूध आ रहा है। तो छोटी आपा बोलती, दीवाने दूध नहीं रहे तेरी जोरू का मेकअप हुआ। दूध नहीं रहे दीवाने, तीन दिन की जो पैंट चढ़ी थी रंग चढ़ा था, मेकअप पे मेकअप भरा था, अब तो शादी हो गई है, दूसरा देखना नहीं है, रिश्ता भेजना नहीं है, मुंह धो लेंगे बोलकर भाभी जा को मुंह धो लेकर आए। सो अब जाको देखा तो शादी में देखा था तो चौदहवीं का चांद थी, अब शादी के बाद देखा तो अम्मावास की रात है। पहले जमाने के अंधेरों में भी सदाकत और हकीकत थी, पहले जमाने के उजाले में भी सदाकत और हकीकत थी, इस जमाने के ना अंधेरों में सदाकत और हकीकत है ना उजालों में सदाकत और हकीकत है। कैसे दौरे पुरफितन में हम पैदा हुए हैं, ऐसे दौर में बचकर निकलने वाला ही अल्लाह का वली होता है। हजरत अम्मा आयशा उजाला अंधेरा, इस पर बात कर रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं, एक एक मुसलमान गौर से सुने, खाली मेरे लतीफाना जुमले पर नजर गौर न करे, मेरे पैगाम को भी समझे। जो काबिल अमल बात आती है वो आज के तोहफे समझ कर अपने जेब में डालते रहे और अपनी जिंदगी में बसाते रहे। अल्लाह हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अंधेरा अगर हो जाए, चराग गुल हो जाए, तब भी इन्ना लिल्लाह पढ़ो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी मुसीबत आती है तो इन्ना लिल्लाह पढ़ो। एक मर्तबा अम्मा आयशा सब कह दो रजी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों घर के अंदर चराग सीधा करते थे। चराग पहले जमाने में बत्तियों का चराग था, याद है आप लोगों को, चराग सीधा कर रहे थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका को घर को चराग की क्या जरूरत थी, आका जहां जाते वहां का अंधेरा उजाले से बदल जाता। लेकिन आका को एक अमल बताना था उम्मत के सामने, मैं तो हमेशा रहने वाला नहीं, मेरे जाने के बाद दुनिया में अंधेरे उजाले आते रहेंगे, आज मेरे उजाले पर मेरे नूर पर मैं भरोसा करके अंधेरे उजाले का सबक पेश न करूं तो मेरी उम्मत जिहालत में मर जाएगी। आका को मसला बयान करना था, आका को एक दीन का सबक और गोशा पेश करना था, वरना मेरे रब की कसम मैं ताज्जुब करता हूं अबू जहल पर, मैं ताज्जुब करता हूं अबू लहब पर, मैं ताज्जुब करता हूं मुशरिकीन मक्का पर, मैं ताज्जुब करता हूं मदीने के उस जमाने के मुनाफिकीन पर, मैं ताज्जुब करता हूं अरब के यहूद और नसारा पर। उनको ईमान लाने के लिए इतनी बात ही काफी थी, रब्बे काबा की कसम मेरा नबी जहां से गुजरता वहां उजाला ही उजाला होता। ये मौजिजा था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आखिर अबू जहल को मेरे नबी का नूर नजर क्यों नहीं आया, अबू लहब को मेरे नबी का वो नूर नजर क्यों नहीं आया, मुशरिकीन को मेरे नबी का नूर नजर क्यों नहीं आया, काफिरीन को मेरे नबी का नूर क्यों नजर नहीं आया, यहूदो नसारा को मेरे नबी का नूर क्यों पसंद नहीं आया। ये मोहब्बत नहीं है, ये हकीकत है। मोहब्बत झूठी हो सकती है, हकीकत झूठी हो नहीं सकती। मोहब्बत में गुलू हो सकता है, हकीकत में गुलू नहीं हो सकता। एक कानून एक ला पेश कर रहा हूं, अतनी के मुसलमानों गौर से सुनो, मोहब्बत और अकीदत में गुलू हो सकता है, मोहब्बत और अकीदत में झूठ हो सकता है, लेकिन हकीकत में झूठ नहीं हो सकता। अम्मा आमीना, अम्मा आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरे नबी की वालिदे मोहतरमा फरमाती है कि जब से मोहम्मद मेरे पेट में आया
मोहम्मद के जिस्म का क्या नूर है, मैं खुद सरापा नूर बन गई। सीरत हलबिया किताब है, उलमा के सामने पेश कर दिया, पढ़ कर देखे, एक एक रिवायत मिल जाएगी। हजरत आमना फरमाती हैं, जब से मोहम्मद पेट में आए मैंने दुनिया में अंधेरा देखा ही नहीं। जब से मोहम्मद पेट में आए मैंने दुनिया में अंधेरा देखा ही नहीं। मैं जहां जाती अजीब कैफियत मेरे साथ होते, वाकियात मेरे साथ होते। हालत हमल में मैं कुएं में पानी लेने के लिए रस्सी उठाती, आवाज कहीं से आती, आमीना मेहनत न कर, कुएं का पानी तेरी खिदमत के लिए इंतजार कर रहा है। मशक्कत न उठा, जरूरत बयान कर, खुदा की पूरी मखलूक खिदमत के लिए हाजिर है। लगे हाथ उजाले पर बात याद आ गई, सीरत भी कुछ बोलता चलो। नौजवानों तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम्हें कुरान नहीं मालूम, तुम्हें सीरत नहीं मालूम, तुम्हें सहाबा नहीं मालूम, तुम्हें मसाइल नहीं मालूम, तुम्हें अकाइद नहीं मालूम, तुम्हें फजाइल नहीं मालूम, तुम्हें रोजा नहीं मालूम, तुमको शरीयत के अहकामात नहीं मालूम। तुमने तो इस्लाम समझा क्या, टोपी पहन लेने से मुसलमान हो जाते हैं, दाढ़ी रख लेने से मुसलमान हो जाते हैं, झुब्बा और पाजामा पहनने से मुसलमान हो जाते हैं, निकाह के वक्त मौलाना को बुलाकर खुतबे निकाह पढ़वा लेने से मुसलमान हो जाते हैं, मरने के बाद क्या कहना, हमारा जनाजा जरूर पढ़ाया जाएगा, हमको मुसलमानों के कब्रिस्तान में जरूर दफनाया जाएगा, ईसा अलैहि सवाब के लिए कुर्बान खानियां होंगी, हमारे लिए दुआएं मगफिरत होंगी। दोस्तों ये तमाम बातें अपनी जगह पर हैं, मेरे भाई मुसलमान नौजवान कान खोल के सुन ले, मैं कान पकड़ कर कहता हूं, आज तेरे पास तेरे मुसलमान होने की अलामत सिवाय नाम और खतना के तीसरी कोई चीज नहीं है। तुझे मुसलमान करके पहचानने के लिए तेरे पास सिर्फ दो चीजें हैं, और एक पक्की चीज है और एक मालूम करना पड़ेगा। माफी चाहता हूं, दिल टूटता है तो माफी चाहता हूं, आज आईना दिखाने के लिए बैठा हूं। नौजवानों तुम सो गए हैं, तुमको उठाने के लिए बैठा हूं। नौजवानों तुम गफलत के दल दल में हो, तुम्हें जगाने के लिए बैठा हूं। नौजवानों तुम अपनी हकीकत को भूल चुके हो, तुमको तुम्हारी हकीकत बताने के लिए बैठा हूं। नौजवानों तुम अपने आप को भूल चुके हो, तुम क्या थे क्या है, तुम बन गए तो क्या होगा, अगर यही तुम्हारी हालत रहेगी तो फिर क्या होगा, वो बताने के लिए बैठा हूं। माफ करना अथनी के नौजवानों, मैं सिर्फ तुमसे बात करने के लिए नहीं, कब्बे काबा की कसम आज कम से कम मैं हिंदुस्तान के नौजवानों से बात करना चाहता हूं। तुम क्या हो तुम पहले समझो, अम्मा आमीना और मेरे नबी के उजाले की बात को रखो, जरा इधर गुजर जाऊं, इसलिए मैं सीरत के गोशे बोल रहा हूं। तुम्हें नहीं मालूम कि हुजूर की अम्मा का नाम क्या है, तुम्हें नहीं मालूम कि हुजूर के अब्बा का नाम क्या है, तुम्हें नहीं मालूम कि हुजूर के दादा का नाम क्या है, दादी साहेबा का नाम क्या है, नाना मोहतरम का नाम क्या है, नानी मोहतरमा का नाम क्या है, आपके चचा कितने हैं, आपका बचपन कैसे गुजरा, आपकी जवानी कैसे गुजरी, आपकी बुजुर्गी कैसे गुजरी, आपका सबक क्या है, आपकी तालीमात क्या है, आपकी सीरत क्या है, आपकी सूरत क्या है, आप इससे बहुत दूर हैं। अल इयाज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, एक एक मुसलमान कान खोल कर सुन ले, आज हमारी जिहालत पर तो सीरत नबवी भी रोती है, खुदा ना खास्ता मेरे नबी के ज़ाते अक़दस पर कोई हमला करता है तो मुदल्लल
जवाब देने के लिए तेरे पास ना इल्म है ना तेरे पास जुबान है। बात सही है मौलाना? दुनिया में जितने भी जानदार हैं, इंसान, हैवानात, थोड़ी देर के लिए नबातात, ये दरख्ते वगैरह भी रख लो, ये तमाम चीजें जब पैदा होती हैं तो इनकी जिंदगी में तीन स्टेशन आते हैं। कितने स्टेशन? जोर से बोलो, सोरी जगरी। माशाल्लाह, ये बच्चे मेरा पावर। हमारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, गुजरे हुए लोगों पर, आइंदा आने वाले लोगों पर, सब पर कितने स्टेशन? स्टेशन बोले तो समझ में आता नहीं आता, अरे स्टेशन बोले तो रेलवे स्टेशन, नहीं तो पुलिस स्टेशन। मौलाना कई को हमनाला को स्टेशन के साथ जोड़ रहे हैं। जमाने, तीन जमाने आते हैं, एक बचपन का जमाना, एक जवानी का जमाना, एक बुढ़ापे का जमाना। चौथा जमाना है नहीं, बचपन, मासूम, बुढ़ापा, मजबूर, जवानी, ताकतवर। इन तीन जमानों में सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत को जवानी का दौर अपने बंदों का बहुत पसंद आता है। बच्चों पर रहम करो, बड़ों का अदब करो, जवानी की हिफाजत करो। ये तीन जमानों में अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा जमाना कौन सा? जवानी का। बच्चे भी पसंद है अल्लाह को, लेकिन जवानी के मुकाबले में कम। बूढ़े भी पसंद है अल्लाह तबारक व ताला को, लेकिन जवानी के मुकाबले में कम। बच्चे गुनाह करते नहीं, बाई चांस गुनाह होगा तो उसका सवाल भी नहीं। बूढ़े भी गुनाह करते नहीं, इसलिए कि गुनाह करने होता नहीं। जरा इशारा दे तू समझ जाओ। गाजरत में बूढ़े बोल रही सौ, हमें भी कदम रख डाले बाबा, बाला सफेद हो गए। बच्चे गुनाह करते नहीं, बाई चांस हो गया सवाल नहीं। नाबालिग मरफूउल कलम, नाबालिग, उस पर कोई कानून नहीं। बुढ़ापा, मजबूर। और इस उम्र में तो अक्सर बूढ़ों को बड़े शौक के साथ इबादत करते हुए देखा है, लेकिन जवानी का जो दौर है, ये दौर अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद। यहां एक सवाल पैदा होता, बचपन कब तक, जवानी कब तक, बुढ़ापा कब तक? तवज्जो से सुनना अतनी के मुसलमानों, नौजवानों, बचपन पैदा होते ही शुरू होता, बालिग होते ही खत्म हो जाता। लड़का हो या लड़की, बालिग कब होता? बालिग होता के तो समझे, अरे समझे नहीं समझे, नहीं वो भी समझाना की, वो भी हमें समझा सकते सो, समझ में नहीं बात। बालिग होते ही बचपन खत्म, लड़का हो या लड़की, बालिग कब होते? 9 साल के बाद बालिग कभी भी हो सकते हैं। लड़की 12 साल तक उसकी आखिरी मुद्दत बालिगा होने की, लड़के की आखिरी मुद्दत बालिगा होने की 15 साल।
समझ में आई बात? आ? नहीं छुआ कोई लड़का 15 साल तक, 15 साल होते ही बालिग ना होकर भी उसे बालिग समझेंगे और बालिग होने के जितने अहकामात हैं उस पर वाके होंगे, चाहे उसे दाढ़ी निकले या ना निकले, 15 साल हो गए उन्हें फर्ज नमाज पढ़ा सकता है। हाँ 15 साल से पहले अगर अलामात जाहिर हो गए 14 साल में अब उन्हें बालिग हो गया, 13 साल में अगर अलामात नजर आ गए 13 साल की उम्र में बालिग हो गया। अब तो मासूमुल मिल्लत का जमाना है, इनू जब आए तो इनू करीज क्या, बच्चों को जवान बूढ़ों को जवान बना लेकर ही। ये आने के बाद तो 9 साल में भी बालिग हो रही, 10 साल में भी बालिग हो रही, 11 साल में भी बालिग हो रही, 12 साल में भी बालिग हो रही। तुम ना नहीं मालूम, हम ना मालूम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अखबारात और हालात से हम लोग वाकिफ हैं। इसके आने के बाद आदमी की तबीयत में फर्क पड़ रहा है और उसकी गर्मी में फर्क पड़ रहा है, और उसके बाद बराबर उसके बचपन पर भी हमले, उसकी जवानी पर भी हमले, उसके बुढ़ापे पर भी हमले। इसीलिए बच्चों को मोबाइल से बचा कर रखो, वक्त पर बालिग होंगे तो इंशाअल्लाह जवानी ताकतवर होंगी। वक्त से पहले अगर बालिग हो गए तो जवानी इनकी नुकसान में पड़ जाएगी। डॉक्टर हजरात अगर बैठे हैं तो इसी वक्त उनसे पूछो कि ये मौलवी बात सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, इनको वक्त पर बालिग होने का मौका दो। अगर ये नस्ल वक्त से पहले बालिग हो गई तो फिर इनकी जवानी किसी भी किस्म के काम की नहीं। और बाकायदा लिखा है तिब में, डॉक्टरी में, तबीयात में, आंखों का अगर इस्तेमाल गलत होता है तो फिर बच्चों का बचपन बर्बाद होता है। इनको मोबाइल से बचा कर रखो, इनके हाथ में मोबाइल देखे तो मारो, इन्हों मोबाइल पूछे तो मारो। आजकल ये सारी दुनिया में एक इशू चल रहा है, मारना नहीं कहते बच्चा को, मारना नहीं कहते हजरता, मारना नहीं कहते मां बाप, मारना नहीं कहते शौहर, मारना नहीं कहते। ओपन स्पीच दे रूं सो, मेरे पास दलील मौजूद है, कई को भी नहीं मारना, नहीं मारना भाई, तो फिर क्या मार खाना? तरबियत के लिए बच्चों को मारने का हुक्म हदीस में है, तालीम के लिए बच्चों को मारने का हुक्म हदीस में है, तरबियत के लिए बीवी को मारने का हुक्म कुरान में है। यहां तो भी माशाल्लाह बोलो रे बाबा। सोच ले को बैठ गया, आज तक कौन से मौली साहब भी बोले नहीं ना, ये मौली साहब बोल रही, वो भी जोरू को मारने की बात कुरान में है, कहते ना आहा। सीधा जाते कि नहीं की पकड़ को दे रहा है बयान के बाद, कीजिए वो ऐसा कीजिए मार रही। मुजम्मिल साहब बोले तुझे मारने का हुक्म कुरान में है, कहते फिर सभा को देख रहे पूरी अथनी की औरत है बेंगलुरु में मुजम्मिल साहब को ढूंढने को। तरबियत के लिए मारने का हुक्म है और शरीयत ने बताया भी है कि कैसा मारना। चुपके अव्वल डराना, मार दो देख,
डर जाती उन्हें, नहीं नहीं डरती है, मार दो देख। खाली ने बोलता सो क्या बोले बोल को अंदर किचन से ले लगाती चमचा, मजाक करे सो बेगम के। क्या मजाक करे तो तुम्हें सीरियस ले लेती ना, के सब में मजाक करो जी, मार तू तोड़ तू बोल को मजाक करो ना को, तुम्हें मजाक करेंगे मैं हकीकत पर अमल करना पड़ेगा, नुकसान मेरा नहीं तुम्हारा छोंगा सो। चल रहा है आज के जमाने में, चल रहा है चल रहा है। शैतान से उतना नहीं डरते जितना बेगम से डरते। शादी से पहले बाबा फोन करता 10 बजे 11 बजे, काए बाबा आरुमा रखो तुम्हारा एक के। मां फोन करती की गा तो बेटा ना भाई लाल नहीं आया तो माँ को जितनी बेकरारी होती, खुदा की कसम किसे होती, की बा आया नहीं कहाँ बा, अरे रखो ना मी भमड़ी तुम्हारी, ये ना जवाब। बेचारी पैदा करी सो माँ बेटे से डरती बोलकर बोले तो वो माँ बेकार बेटा गारत। पैदा करे सो बाप अपने जवान बेटे से डरता बोलकर बोले तो वो बाप से ज्यादा बदनसीब कौन सा भी बाप नहीं, वो बच्चे से ज्यादा बर्बाद कोई बच्चा नहीं। रात को 11 बजे तक आया नहीं ना बोल को, बूढ़ा बाप फोन करता का है बा आरुमा रखो, मां करी फोन, अरे रखो ना मी बेकार के भमड़ा तुम्हारे अलग फोन कर डालती, अच्छा फोन ले को दिया तुम ना डर को रख डालती। अब किसका फोन आता नहीं समझे, खाली नंबर देखती कि नहीं कि अल्लाह बचारे परवरदिगार उठाऊं कि नहीं उठाऊं कि, दोस्तां खड़े रहते हैं। बाप का जवाब भी सुने माँ को जवाब भी सुने, अब बेगम का रिंग लंबा हुआ तो भी खतरा, जल्दी उठाने की हिम्मत नहीं, बीच रिंग में उठाता तब भी उन्हें कीजिए वो इतना वक्त कहाँ थे, अरे उठा जेब का अटक गया था पैंट में उठाया था, कह रहे काई नीचे हूं झाको तुम्हें। मंजे पूछना नहीं, अच्छा तजुर्बा है हजरत तुम ना बोल को, बाबा पूछा तो जवाब अलग, माँ पूछी तो जवाब अलग, अब बेगम पूछती है तो नीचे हूं बेगम आ रू खड़ो जबीउल्लाह को ही बात कर, नहीं ना वैसा क्या भी दिख रहा नहीं ना, कांगी चुनखा लगो ही तुम्हें, डराने का जमाना नहीं डरने का जमाना आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। गर्ज बच्चों पर बात कर रहा हूं, जवानी पर आना है मुझे, छोटे बच्चे आज वक्त से पहले बालिग हो रहे हैं, बालिग बालिग होने का सबब क्या है मोबाइल, बालिग होने का सबब क्या है इंटरनेट, बालिग होने का सबब क्या है गंदी गंदी तस्वीरें जिसे फितरत को सामने रखकर बच्चा समझने की कोशिश करता है, पूछता तक नहीं है। मेरे 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 बिल्कुल जमे हुए जुमले को समझने की कोशिश करो मेरे दोस्तों, कि फितरत और तकाजों को सामने रखकर बच्चा उन तस्वीरों को समझने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करते करते शैतान की जब मदद मिलती है तो 10 साल में पूरा सबक समझ जाता है, 11 साल में बालिग हो रहा है, 12 साल में बालिग हो रहा है, 13 साल में बालिग हो रहा है। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला। बच्चे के बालिग होने की उम्र क्या, 15 साल, उससे पहले भी 1 साल या 6 महीने मुमकिन है कि बालिग हो सकता है, या 1.5 साल पहले बालिग हो सकता है। लड़की के बालिग होने की उम्र 12 साल होती है। बहरहाल किसी भी वक्त में अगर कोई बच्चा बालिग हो जाता है, अब वो बच्चा नहीं रहता, डायरेक्ट 1 सेकेंड के अंदर वो बच्चा जवान हो जाता है।
समझ में आया मसला? अरे समझ में आया? अब वो बच्चा क्या हो जाता है? डायरेक्ट जवान हो जाता है। 12 साल की उम्र, 13 साल की उम्र, 14 साल की उम्र, 15 साल की उम्र, अगर कुछ हालात आ गए या 15 साल पार हो गए, जवान हो गया। अब जवानी कब तक रहती है ये सुनो, बड़े मजे की बात। अगर मैं आपसे पूछा तो जवानी कब तक रह सकती है, मौली साहबों को छोड़कर, उलमा को छोड़कर, आपसे अगर मैं पूछा जवानी कब तक रहेगी, तो जवाब ये आएगा, हमें कब तक चाहते हैं कि तब तक। जवानी कब तक रहेगी, हमें कब तक चाहते हैं तब तक। अरे तुम्हें कब तक चाहते हैं तब तक, कैसा भाई पैंट मार ले तो जवान हजरत, दाढ़ी को तो मारने की जरूरत नहीं पड़ती, कि तो आई तो उसे पैंट नहीं मारते, उसे तो मार डालते। दाढ़ी को पैंट मारते नहीं, दाढ़ी कुछ मार डालते। अब सर के बालों को पैंट मारना पड़ता, मुच्छी को पैंट मारना पड़ता। वाह 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 वाह, अच्छा मालूम भी हो रहा है आजकल पेंट मारिया सो की कतो झाड़ा के साथ दीवार में भी दिख रहा पेंट। झाड़ा के साथ दीवार में भी दिख रहा है पेंट, सर के बालों को भी पेंट। बालों का सफेद होना ना बुढ़ापे की दलील है ना जवानी को नुकसान है। बाल बचपन में भी सफेद हो सकते हैं, जवानी में भी सफेद हो सकते हैं, बुढ़ापे में तो हो ही जाते हैं। बाज बूढ़े ऐसे होते हैं जिनको बुढ़ापे में भी बाल सफेद नहीं होते, काले के काले रहते हैं। आदमी की ताकत जैसी होगी बालों का कलर वैसे होगा। आदमी के अंदर जो पावर होता है, जो ताकत होती है, वो ताकत के मुताबिक उसके बालों का कलर होता है। कभी टेंशन हो बाल वक्त से पहले सफेद, कभी टेंशन नहीं बहुत देर तक काले, और ये मिजाज तो पहले से मौजूद है। मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका की सीरत में आता है कि आखिरी उम्र तक भी मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और दाढ़ी के कुल बालों में सिर्फ 19 बाल सफेद हुए थे। उत्पाद कितने बाल, एक रिवायत में 17 और एक रिवायत में 14। दाढ़ी के सर के दोनों बाला मिला, दोनों हिस्सों के मुए मुबारक बाल मिलाकर 19, 17, 14 उत्तात। ये इख्तलाफ क्यों आया 14, 17 और 19 पर? अम्मा आयशा फरमाती, आका को अगर टेंशन कम होता, बाल कम सफेद होते, आका को उम्मत की फिक्र अगर ज्यादा होती तो बाल जरा ज्यादा सफेद हो जाते। ज्यादा का मतलब 300, 400, 200, 150 नहीं, बल्कि ज्यादा का मतलब 19 उत्तर। अभी करीब में तवज्जो चाहता हूं, गौर से सुनो, लगे हाथ ये बात भी अर्ज कर दूं। हमारे मुल्क में कुछ लोग हैं ना मजहबों को छेड़ते हैं। मुल्क में जब तक मजहब को छेड़ने का मिजाज रहेगा और मजहब को छेड़ने वालों की पुष्पनाही हुकूमत करेगी, मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। हमारे मुल्क की खुसूसियत है, यहां पूरी आजादी के साथ हिंदू भाई भी रह सकता है, पूरी आजादी के साथ मुसलमान भी रह सकता है, पूरी आजादी के साथ दलित भी रह सकता है, पूरी आजादी के साथ सिख भाई भी रह सकता है, पूरी आजादी के साथ ईसाई भाई भी रह सकता है, और इसी तमाम की आजादी को मिलाकर एक जुमला रखा गया जमहूरियत। अगर किसी एक धर्म को भी अपने धर्म पर
बदलने के लिए मुल्क के अंदर आजादी नहीं मिलती तो फिर जमहूरियत का लफ्ज दावदार होगा। हमारे धर्म में तो साफ साफ बात है कि किसी धर्म को न छेड़ो, किसी के खिलाफ न बोलो, चाहे तुम्हारे अकीदे के एतबार से सामने वाला गलत हो उसे समझाओ, लेकिन उसके साथ मजाक न करो, उसके देवी और देवताओं के साथ मजाक न करो, उसके देवी और देवताओं को बुरा भला न कहो, उसके देवी और देवताओं को गाली न दो। ये डायरेक्ट कुरान का फरमान है, वला तसुब्बुल लदीन यदउन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरी इल्म। लेकिन कुछ लोग हमारे धर्म को छेड़ते हैं, हमारे अवतारों के खिलाफ बुरा कहते हैं, हमारे मस्जिदों का अपमान करते हैं, हमारे मदरसों का अपमान करते हैं, हमारे उलमा के साथ मजाक करते हैं, हमारी दाढ़ियों के साथ मजाक करते हैं, यहां तक कि इनकी ये बेकार की जुर्रत मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंची, आका के सामने गुस्ताखी करते हैं। अभी करीब में 1 से 3 जगह, 1 से 3 लोग जो अपने मुकद्दर को हमेशा के लिए ताला डाल दिया मेरे नबी के सामने गुस्ताखी करते हैं। तवज्जो से नौजवानों, तवज्जो के साथ सुनना, मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं और गुस्ताखी के लिए मौजू क्या बनाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 पर 9 साल के 50 पर 5 साल के 50 साल के 7 पर 3 साल के इस उम्र के और उनकी एक बीवी 6 साल की उम्र की निकाह करती है, नकल करने के लिए भी जुबान उठती नहीं। मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं, कहते हैं कि भला 50 पर 5 साल का आदमी 6 साल की उम्र से कैसे निकाह कर सकता है। जवाब देने वालों ने दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया, मैंने तो 2 जुमे लिए इसके मुताल्लिक, मैंने तो ऐसे वाज़े जवाब दिए कि अहमकों, मेरे नबी का हर अमल फितरत के मुताबिक, मेरे नबी की जिंदगी बेदाग, मेरे नबी का अमल सारी दुनिया के लिए नमूना। मेरे नबी अगर 50 साल की उम्र में अम्मा आयशा से निकाह करते हैं, उस वक्त अम्मा आयशा की उम्र खाली बुजुर्गी और बालों के सफेदी पर बात आ रही है, तवज्जो से सुनो, अगर अम्मा आयशा की उम्र 6 साल है, 6 साल की उम्र में निकाह करते हैं, इसमें ताज्जुब की बात क्या है। जवाब सुनो, पहला जवाब, तुम्हारे देवी और देवताओं की तारीफ भी उठा कर देखो इस किस्म के वाकियात में। दूसरा जवाब, मेरे नबी ने अम्मा आयशा से जब निकाह किया 6 साल की उम्र थी तो सिर्फ निकाह हुआ, उससे आगे जाना नहीं। निकाह का मतलब क्या, एक किस्म का मुआहिदा, अग्रीमेंट कर सकते, गाड़ी चलाना आता कि नहीं आता कि, लेने पर कोई हर्ज नहीं है, लेने पर कोई हर्ज नहीं है। बेंगलोर में एक साहब अपने बच्चे का अकीका करे, मुझे दावत दिए, मुझे अजीब अजीब दावत नहीं था, मैं जाता नहीं, बर्थडे को भी दावत दिए मुझे, मैं इस बड्डे के खिलाफ हूं, वो भूखू मंजे दावत दे रहा, देखे क्या बड्डे का तो तुम्हें मालूम नहीं है, होता नहीं दिखता,
अकीका करो, बर्थडे कहाँ है, इस्लाम में कहाँ है, क्या हम पैदा हुए हमारे से करोड़ों दर्जे ज्यादा बेहतरीन इंसान पैदा हुए, लेकिन किसी ने भी बर्थडे नहीं किया और हमें क्या पैदा हुए। हाँ हाँ, ऐसा मालूम होता खानदान पर एहसान कर डाले। नौजवानों नौजवानों, ये हालत रही तो फिर और बुरे हालात हो जाएंगे। नौजवानों बर्थडे केक, इतना बड़ा केक। अब आजकल एक नया तरीका होगा, पहले जमाने में टीवी बर्थडे का केक घर में काटते थे, अब रोड़ा में काटते। तभी इसका नाम अथनी नहीं, बेंगलुरु, और वो भी रात के 12 बजे, पूरे दोस्त का मिल जाको 12 होते कि नहीं जी, फौरन कुत्ते बमड़ा मारती नहीं उसे मारते। हमारे गली में भी एक मरतबा आवाजा शुरू हुए, भाई भी जल्दी आके देखा तो हम लोग कभी बलाना चल रहा है, ऊपर हमारा घर नीचे उतर को आया, मंजे देखते कि नहीं कि हजरत तुम्हें भी केक खाओ, नहीं पता जूता खाना पड़ेगा तुझे। मुसलमान है, अल्लाह का बंदा है, नबी का गुलाम है, तेरा हर अमल ऐसे होना चाहिए कि तुझे देखता है तो जमाना ये कहने पर मजबूर हो जाए, गुलाम अगर ऐसा है तो आखा का आलम क्या होगा। तेरे अमल से दुनिया तेरे नबी तक नहीं पहुंच रही है, तेरे अमल से नौजवान तेरे अबू बकर तक दुनिया नहीं पहुंच रही है, तेरे अमल से दुनिया तेरे उमर तक नहीं पहुंच रही है। जिंदगी गुजार और ऐसे काम कर, ऐसे काम कर, ऐसे काम कर, तेरे हर काम को देखकर दुनिया और दुश्मन के जुबान से एक एक लफ्ज याद रखना मेरे दोस्त, एक एक लफ्ज याद रखना मेरे भाई, एक एक लफ्ज याद रखना मेरे जवान, ऐसा अमल कर कि तेरे अमल को देखकर दुनिया और दुश्मन के जुबान से ये जुमला निकल जाए कि गुलाम का ये हाल है तो आका का आलम क्या होगा। दुनिया के लिए मिसाल बनो, दुनिया के लिए नमूना बनो, दुनिया के लिए ताकत बनो, दुनिया के लिए जीनत बनो, दुनिया के लिए देखने दिखाने के लायक बनो। जैसे आज हम हमारे बड़ों की मिसालें दे रहे हैं, जिंदगी ऐसे गुजारो कि आने वाली नस्लें हमारी मिसालें दे। एक वाकया सुनो, शायद सुने नहीं सुने पता नहीं, इस इलाके में तो इतना आलू नहीं, अतनी जमखंडी उगार मंसूली बेलगाम चिकोड़ी अभी क्या है क्या की किधर की, इतना आलू घर में डोक शुरू हो गए। अब मैं ये गावा का नाम कहीं को घर में बोलना बोलकर कहां जा रही हूँ, तो बेलगाम गुजरो, बेलगाम गुजरो, बेलगाम गुजरो, बेलगाम से उतर के 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर खतरा पटना, ये गावा का नाम कहीं को बोलना बोलको कहाँ करते बेलगाम को, तो अब घर में भी डाउट शुरू हो गया है, क्या किस्सा बार बार बेलगाम गुजारी ना पूछे। मैं बोलिया डाउट को डाउट में रखो वरना यकीन में बदलने की ताकत है। तशरीफ लाने के बाद पवित्र बीवी पर डाउट हो रहा है, पाक पाक शौहर पर डाउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जर्रा वक्त के आज से शौहर पेशाब को बाथरूम को जाकर आए तक पूरा मोबाइल खंगाल में रख डालती उन्हें। उन्हें क्या दीदी काम से जरा फोन देव जी बोलकर बोले को, उन्हें रोटी पकाए तक पूरा इनबॉक्स आउटबॉक्स व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पूरा चक्कर घर में रख डालता, फिर भी यकीन नहीं आ रहा।
छोड़ता शैतान इन्हें रहे तक डाउट खत्म नहीं होता। याद रखो, याद रखो, रात को कंपनी से मैसेज आया तू भी डाउट कर रहा है। अरे व्यवहार से कंपनी वाले रात के 3 बजे भी मैसेज आ करते हैं और व्हाट्सएप तुम्हारा ना पूरी रात लगा भेजते ही मंजे महसूस तू सोते ही कि नहीं सोते ही कि लगा बोल। परसों रात 1:30 बजे फोन आ गया मुझे, खैर मंजे आया तो चल जाता, तुम ना आने का मौका दो ना को डाउट का जमाना। सुनो वाकिया, सुनो वाकिया, एक नौजवान गुजरे हैं जिनका नाम मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम? मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम? मोहम्मद बिन कासिम। इस्लाम में पैदा हुए, इस्लामी जर्नल, इस्लामी कर्नल, खाली 17 साल की उम्र में अथनी के नौजवानों 17 साल की उम्र में सारी दुनिया में उस दौर में उनका चर्चा होगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। कितने साल की उम्र में? 17 साल की उम्र में। यहां 17 साल के बच्चे बैठे रहेंगे, 17 साल के बच्चे वाले भी बैठे रहेंगे। 17 साल की उम्र में मौलाना उस दौर में सारी दुनिया में उस नौजवान का चर्चा। आज 17 साल का बच्चा रहा तो बड़ी से बड़ी गलती कर डालिया तो जी क्या हदीस साहब तुम्हारा बेटा इतनी बड़ी, छोड़ो जी बच्चा जी उन्हें, 17 साल का बच्चा, शादी करो उससे बच्चा। बाबा जिंदा रहे तक बच्चे को बच्चा 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 भाई तुम्हारे वास्ते बच्चा हकीकत में क्या उन्हें। 17 साल का बच्चा नौजवान मोहम्मद बिन कासिम, अल्लाह अकबर, उनके अंदर के सिफात सुनो। अंगलियां उठाकर, पहले हाफिज कुरान था 17 साल की उम्र में, खाली मौली साहब की किरा सुनना सो, एक सूरा सही पढ़ना नहीं आता नौजवानों, नमाजा तुम्हारी कैसी हो रही मालूम ही नहीं। माफ करो तुम ना जगाने के लिए बैठा हूं, दिल तोड़ने के लिए नहीं। जगाने के लिए बैठा हूं। 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम नौजवान, इस्लाम की मिसाल, इस्लाम की शान, इस्लामी जनरल, इस्लामी कर्नल, 17 साल की उम्र, हाफिज है कुरान। आज सूरह फातिहा आता, सूरह इखलास आता, आता मुन्या हलारी जिक्रू, खाली सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसे सूरह फातिहा बोलते हैं। पढ़ो 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 बोलकर बोल रही मौली साहब तैयार ही, आज तो आधा घंटा बाद को कुरान सुधारने की काहिश नहीं, मुल्क सुधारता कहते इंड मूंजी की तंजावर की मंजा। क्या बोला ना, हजरत हमारे बाबा बिस्तर के होगी हजरत, सही बात है बोलते स्वामी, अल्लाह की कसम माहौल में ऐसा हो गया हूँ, इतने वाकिया थी मेरे पास, खाली प्रेजेंट वाकिया थे, लोग का डाउट करेंगे बोलकर मैं जब भी बोलता हूँ तो कसम खाता हूँ। एक नौजवान का फोन आया, हजरत हमारे बाबा बिस्तर के होगी हजरत, दो
दिन से न बात कर रही, न हंकी खोल रही, न खा रही, न पी रही हजरत, कुछ भी नहीं हजरत। आवाज आ रहा है, डॉक्टर साहब के पास ले को गए। डॉक्टर साहब ले को चले जाओ बोल डाले, और एक डॉक्टर को बुलाए तो डॉक्टर साहब बोले कभी भी क्या भी हो सकता बोलकर, दो दिन से ऐसे ही हजरत, क्या करना। जो चीज डॉक्टरों को समझ में नहीं आती वो चीज उलमा को समझ में आती, इस कैफियत का नाम है सकरात। नजा, ये हालत और ये तकलीफ जिस पर वाके होती है उसी को मालूम होता है। बजाहिर देखने में इंसान बड़ा काबूश पड़ा नजर आता है, लेकिन उसे तकलीफ कैसे होती है। मेरे आका ने फरमाया, जिंदा बकरे को बगैर जबह किए के अचानक एक सेकंड के अंदर उसके जिस्म से चमड़ा निकाल देंगे तो उसे जो तकलीफ होती है उससे ज्यादा सकरात के वक्त मरने वाले को तकलीफ होती है। अल्लाह एक एक मुसलमान को आसान मौत अता फरमाए। दुआया करो, अल्लाह मौत के वक्त मदद अता फरमा, आसान मौत अता फरमा, अच्छी मौत अता फरमा, राहत वाली मौत अता फरमा, सुकून वाली मौत अता फरमा, कलमे वाली मौत अता फरमा। नहीं नहीं, क्या क्या बोलना। हजरत ऐसा है ना, क्या करना हजरत। मैं बोलिया, भाई उनकी इस वक्त बड़ी तकलीफ है, तुम्हें उनके सामने बैठकर यासीन पढ़ो, सूरे यासीन। सूरे यासीन की बड़ी फजीलतें हैं, सूरे यासीन पढ़ो। सात जगह पर सूरे यासीन में मुबीन आता है आयत के इख्तिताम पर। जब एक एक मुबीन पर पहुंचे तो फिर अपने अब्बा को फूको, ऐसा फूको, फिर बिस्मिल्लाह से शुरू करो। मुबीन पर पहुंचे ऐसा फूको, फिर मुबीन पर पहुंचे फिर एक मरतबा फूको, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह उनको राहत भी नसीब होगी, आसान मौत भी होगी। अल्लाह का बंदा फोन रख डालिया, मैं भी भूल गया। फिर शाम को फोन आया, हजरत अभी भी क्या भी हुआ नहीं हजरत। मैं बोलिया कि भाई पढ़ते रहो, जरा यासीन तुम्हें पढ़ को फूक रही ना, मंजे पहले सुनाओ, क्योंकि कुरान की तासीर सेहत पर है। क्या बोला ना, कुरान का मजा और कुरान का असर सही पढ़ने पर है, गलत पढ़ने पर कुरान पर कुरान का असर नहीं। जैसे गलत दवा खाए तो असर नहीं करती, वैसे कुरान को गलत पढ़ेंगे तब भी असर नहीं। कुरान पढ़ना भी, कुरान सही भी पढ़ना। खाली साहब पढ़े देखो जलसे के शुरू में, क्या प्यारी किरात पढ़े, जब उन्हें अल्लाह का बंदा पढ़ा, इतना गलत पढ़ा, इतना गलत पढ़ा, मकारिज भी नहीं, तजवीद भी नहीं, जबर जेर का लिहाज भी नहीं। मैं बोलिया कि भाई ऐसा तुम्हें पढ़ लेकर उनके बाजू बैठे नहीं, उनको और तकलीफ शुरू होगी। कुरान पढ़ो, सही पढ़ो। ये स्टेज में बैठे हुए तकरीबन तमाम उलमा आपको पढ़ाने के लिए तैयार है नहीं है, लेकिन आप पढ़ने के लिए तैयार होना नहीं। शादी होती अथनी में, अरे होती कोई कोई सा बड़ी जरूर, अरे और
होती नहीं होती? होती। रिश्ता आया तो खाली एक सवाल करो, मेरी बात सही की गलत की मालूम करने के लिए एक सवाल करो। 900 क्या करता भाई? गंभीर ओ बो बो बो। 900 क्या? इंजीनियर। 900 क्या? डॉक्टर। जितना रापुर डॉक्टर में होता हजरत, उतना तो कुरान में भी नहीं होता। क्या भाई बच्चा करता? मदीना मस्जिद के इमाम। इमाम साहब तुम्हारे हंका फुट गए। वो रिश्ता ले लखो, मेरा घर ही दिखा सो तुम ना। मौली साहब का रिश्ता आया तो गिरा हुआ अंदाज। याद रखो मेरा उन्वान नहीं है ये, फिर कभी आया तो बताऊंगा। जितना मौली साहब जोरुआ को खुश रखते हैं, जोरुआ का तो उनकी जोरू को पूरे मौली साहब को मिला को बोलिया सो। जितना मौली साहब बेगम को खुश रखते हैं, मेरे रब की कसम दूसरा कोई उतना खुश नहीं रखता हर एतबार से। मौली साहब का तो क्या भाई, मौली साहब की बीवी बनना कसम अल्लाह की रिश्ता जोड़ता हूं। सुनो, दुनिया में जो मौलवी की बीवी बनती है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहू होती है। मौलवी साहब का रिश्ता ले ले करा तो लाने वाले को मार डालता। कहा मौलवी साहब, कहा मेरी बेटी? वाकई तंग इस मालदार की बेटी और मौजिन के दरमियान में इतना ही फर्क है जितना अर्श और जमीन के बीच में फर्क है। अर्श तक पहुंचने वाला मकाम मुअज्जिन का है, जमीन पर ही खत्म होने वाला दर्जा बेटी का है। रिश्ता लेकर आते नहीं, क्या क्या की सवाल करते, क्या करता किधर करता, क्या करता किधर करता। जवाब अभी जरा लगा को मिला को चढ़ा को देते हो, पूरा घर संभाल रहा सो उन्हें भी करे, इन्हें भी खुश हो जाता। कैसा संभालता वो पूछता। एक बाबा को एक आदमी पूछा करते, कितने जी बेटे तुम ना? 4 बेटे। क्या कर रही जी? बड़ा डॉक्टर। दूसरा? उन्हें भी डॉक्टर। तीसरा? इंजीनियर। चौथा? लायक। चौथा? चोर। छोर उसे कहीं कुछ घर में रखी, उन्हें पूरा घर चला रहा सर। पूरा घर उन्हें चला रहा है तो हमें ताकत तक नहीं करता। कैसा भी चला रहा है तो बोल दो भाई, घर चलाना कमाल नहीं है, घर वालों को हलाल खिलाना कमाल है। आज हमारी बीवी नाफरमान क्यों? इसलिए कि हमारे पैसों में कुछ शक है। हमारे बच्चे नफरमान क्यों? हमारे पैसों में कुछ शक है। हमारे मातहत नफरमान क्यों? हमारे पैसों में शक है। अगर हमें हलाल कमा कर जाकर खिलाएंगे इंशाल्लाह इसकी बरकत से मातहत रिश्ते पूरे के पूरे फरमाबरदार हो जाएंगे। बात लंबी हो जाएगी। रिश्ता जब आता है एक सवाल रखता लो, छुपकरा कुरान पढ़ को है क्या, फिर देखना कितने रिश्ते तय होते। बोला ना मिला को बोल डालेंगे घर चलाता, बोले ना वैसा जवाब बोल डाला, बहुत अच्छा था, पूरा 7 मरतबा खत्म करया बोल को। तब बोलना इमाम साहब को सुना को उनके पास से एक NOC लेकर आ जाओ बोल कर, तो फिर क्या होगा, हमारे नौजवान सब बेवा रह जाएंगे। सत्रह साल का बच्चा हाफिज़े कुरान, इस्लाम का जनरल हाफिज़े कुरान, इस्लाम का कर्नल हाफिज़े कुरान, इस्लाम का नमूना हाफिज़े कुरान, इस्लाम की मिसाल हाफिज़े कुरान, इस्लाम की तारीख हाफिज़े कुरान।
17 साल मोहम्मद बिन कासिम का वाकिया बोल कर अपनी बात खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी उलमा आपके सामने तफसील से जवानों की जिम्मेदारियां और अहमियत पर बात करेंगे। बड्डे से यहाँ तक आ गया हूँ, उजाले से यहाँ तक आया हूँ, खुदा मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। दोस्तों सुनो नौजवानों, तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, तुम बन जाओ। सत्रह साल का बच्चा हाफिज कुरान, कुरान पढ़ेंगे आप लोग? इंशाल्लाह। कौन कौन पढ़ेंगे हाथ उठाओ? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग पढ़ चुके हैं। अब और कुरान को सलाना पढ़ेंगे बेटा? पढ़ेंगे, सीखेंगे। नेक्स्ट मरतबा आपको कौन मुसाफा करने करीब आता कि आज कर ले तो मुसाफा, नेक्स्ट मरतबा मुसाफा करना कर तो कम से कम सूरह फातिहा सही सुनाना। अब देखना नेक्स्ट मरतबा आया तो मेरे से ऐसा पर्दा करेंगे जैसे आपा कहा हजरत पढ़ो बड़ा सिंह की, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़े तो सब आता। मेरे आका ने हर हर बात बताई है, बूढ़ों के कुरान पढ़ने से ज्यादा अल्लाह को जवानों का कुरान पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, और बूढ़ों की इमामत से ज्यादा नौजवानों की इमामत सही है, क्योंकि बूढ़ों की इमामत और उनकी तिलावत में फर्क आ जाता है दाता ना होने की वजह से। नौजवानों की तिलावत में फर्क नहीं आता क्योंकि दाता सलामत होते हैं। किराक की सेहत का दारोमदार दांतों पर होता है, दांत जवानी की अलामत होती है, बुढ़ापे में दांत भी गिर जाते हैं, बुढ़ापे में बाल भी सफेद हो जाते हैं, बुढ़ापे में हड्डियां जवाब दे देती है। इसलिए नौजवानों तुम जब कुरान पढ़ते हो अल्लाह फरिश्तों पे फखर फरमाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का अल्हम्दुलिल्लाह क्या था? जोर से बोलो हाफिज कुरान। दूसरी सिफत मोहम्मद बिन कासिम की सुनो, साहिबे तरतीब था। साहिबे तरतीब का तो बालिग होने के बाद से लेकर उस वक्त तक एक वक्त की नमाज छोड़ना तो दूर की बात, खजाबी जो आदमी नहीं करता उसे कहते हैं साहिबे तरतीब। और उम्मत में ऐसे करोड़ों पैदा, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की साहिबे तरतीब। टीपू सुल्तान मालूम? अरे मालूम, बेंगलुरु में ही नहीं, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह नौजवान टीपू कमेटी सूरत देखे तो पिसल बंडा। अरे नबी का भी आशिक है, अबू बकर का आशिक है, उमर का आशिक है, खास तौर पर मेरे नबी के बाद नबी से ज्यादा इश्क लायक कौन है? करोड़ों टीपू मिल जाए मेरे नबी तो दूर की बात, मेरे नबी जिस जानवर पर भागते थे वो जानवर की ढूल का मुकाबला भी नहीं है। लेकिन टीपू से मोहब्बत इस दौर में जरूरी है, टीपू से इश्क इस दौर में जरूरी है, टीपू की सीरत इस दौर में जरूरी है, टीपू कमेटी जरूरी है, टीपू के नाम के अंजुमने जरूरी है, टीपू के नाम के शादी महलें जरूरी है, टीपू के नाम की मस्जिदें जरूरी है, क्योंकि दुश्मन का जवाब अच्छे तरीके से देना है। हमारी रियासत की हुकूमत एक ट्रेन का नाम टीपू का नाम था, मिटा डाले, फर्क नहीं पड़ता। दीवानों पागलों, तुम क्या समझते हो कि तुम ट्रेन से अगर टीपू का नाम निकाल दोगे तो टीपू की सीरत मिट जाएगी? तुमको नजर तो टीपू का नाम बाहर आता है, तुमको मालूम नहीं कर्नाटक नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के दिलों में टीपू का नाम है। मोहब्बत करो लेकिन उनके तरीके पर भी चलो। टीपू सुल्तान को दाढ़ी थी, मोहब्बत करने से हक अदा नहीं होता। टीपू सुल्तान कुरान अच्छा पढ़ते थे, आप भी कुरान अच्छा पढ़ो। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह साहिबे तरतीब थे, पैदा होकर बालिग होने के बाद से लेकर मौत तक एक वक्त की नमाज भी नहीं। हमारा नौजवान भी बोलेगा हजरत जर्रा बदल को बोलो हजरत हमें वो ही बालि
बालिग होकर एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़े। मस्जिदों को आबाद करो तुम्हारी जवानियों से। जुम्मे को जाते नहीं करते, हर जगह जा रहा हूं मौली साहब का रोना है। एक मौली साहब बोल रहे, क्या बयान हजरत, तुम्हारी मस्जिद का क्या हाल है कि मालूम नहीं, अल्लाह का फजल हमारी मस्जिद आधी से ज्यादा जुम्मे में भर जाती है। 1:30 बजे तक तो पूरी मस्जिद फुल हो जाती है, 2:30 बजे तक बयान होता है। लेकिन मौलाना कह रहे थे कि हजरत क्या मुताला, हजरत क्या मुताला करना, 1 बजे बयान शुरू होता, 1:25 तक 7-8, 10-12 बूढ़े बैठे रहते हैं, नौजवान आता 1:25 के बाद। साहिब तरतीब मोहम्मद बिन कासिम 30 पर 4 साल की उम्र में हजरत की शहादत हुई। तारीख उठाकर पढ़ो, रब्बे काबा की कसम, दास्तान ईमान पुरोशों की तारीख उठाकर देखो, लिखा है उसके अंदर हजरत मोहम्मद बिन कासिम हाफिज कुरान थे और 30 पर 4 साल की उम्र में शहादत हुई, एक वक्त की नमाज नहीं छोड़े। आज तो नमाज छोड़ता है तुझसे खुदा क्या काम लेगा, बेनमाजियों से खुदा काम लेते नहीं। खुदा के सामने सर झुकाओ, खुदा तुमसे काम लेंगे। खुदा के सामने खड़े हो जाओ, खुदा तुमसे काम लेंगे। खुदा के सामने सर झुकाओ, खुदा तुमसे काम लेंगे। हजरत मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, साहिबे तरतीब, हाफिज़े कुरान थे, साहिबे तरतीब थे। तीसरी बात सुनो, हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे थे। चौथी बात, हज्जाज बिन यूसुफ के दामाद थे। खाली भतीजे की जवा मर्दी देख को चिच्चा बेटी दे डालिया। रिश्तों में बेटी देना सही होने की दलील है, बाहर से रिश्ते मिल जाते ही। मामू की बेटी को करना, मामू तुझे देने का सुक्की बोरी में डाला था। मामू से ज्यादा भांजे को जानने वाला कौन, चिच्चा से ज्यादा भतीजे को पहचानने वाला कौन, फुप्पू से ज्यादा जानने वाला कौन, खुद के लोगा बेटी देना ये सही होने की सनद होती है। चिच्चा, चाचा, अंकल, अंकल का तो यूं नहीं, उनको बोल को अंकल बोला तो सभी मान जाते हैं, मां नहीं, चिच्चा को अंकल बोलते इंग्लिश में। भतीजे की ताकत देखकर, जवा मर्दी देखकर, कुरान की तिलावत देखकर, बच्चे का तकवा देखकर, भतीजे का तकवा देखकर कुछ अपनी बेटी का रिश्ता भेजता है। आमतौर पर लड़के वाले रिश्ते भेजते हैं, उस जमाने में लड़की वाले भी रिश्ता भेजते थे। तारीख में अली को रिश्ता हुजूर भेजे सो, अली से रिश्ता फातिमा को आया नहीं, हुजूर भेजे सो रिश्ता। अबू बकर पूछे नहीं बोले हुजूर, उमर पूछे नहीं बोले, उस्मान पूछे नहीं बोले, खुद हुजूर बोले सो। अली चाहे तो मैं फातिमा का निकाह अली से कर दो। तीनों के तीनों खुश होकर अली को तलाश करने लगे, अली मिल गए, कहने लगे अली मुबारक हो, सादत हो, किस्मत नाज करती हो। पता है ये हुजूर खुद ख्वाहिश करते हैं कि अपनी बेटी फातिमा का निकाह तुमसे कर दे। आज कौन सी तीवी बेटी वाला बाबा एक छगरा पसंद आया ना बोल को रिश्ता भेजा तो लड़के वाले हजरत फिरौन के रिश्तेदार आ जंदल वजह को बेच लो को फिर सो। ये लस बोलते हजरत लड़का पसंद आया तो इधर से रिश्ता देना भी जायज, लड़की पसंद आ गई तो उधर से रिश्ता देना भी जायज। मुआशरे का हर जुस इस वक्त डैमेज है। क्या मौलाना,
मुआशरे का हर जुज डैमेज है। क्या क्या बोलना, लड़का अच्छा है ना, हमारी बच्ची को सेट होता ना, क्या भी बीच में अफेयर नहीं ना। चलो हमें पैगाम पहुंचाएंगे, बीच में मौली साहब को रखताल को, जाओ भाई हमारी बच्ची को उनके साथ शादी करने की ख्वाहिश है, देखो पूछोगे तो जवाब भर से ये सार नौका नहीं आता। क्या देखो हल्के, उन्होंने असल में हमारे बेटे को देखे नहीं जी, हमारी दौलत पर नजर पड़ गई। तो कहाँ की दौलत साहब, कितनी दौलत रखे तो भी खाते ही से दो रोटियां, दौलत पर फखर करना नहीं। कितनी दौलत रही तो भी पेन ना सो 3-3.5 मीटर कपड़े, बल्कि दौलत कितनी होती कि कपड़े उतने छोटे हो रही। अमीरा के बच्चों के प्यांटा देखो, हमारी प्यान देखो, यहाँ तक है लखपतिया, उनके बच्चों के प्यांटा देखो, 3,000 रुपए का तो प्यांट मैंने फ्री दिए थे, भी शूज पोछने का से रख ले तू, की गए तो हर जगह फटता है। क्या बोला ना, मगरूरी नहीं कर रू, हकीकत बता रू, 3,000 रुपए का तो प्यांट, बेंगलुरु में कमर्शियल स्ट्रीट को माफ करना, ब्रिगेड रोड बोलकर एक मशहूर इलाका है, वहां 10 रुपए की चीज 3,000 रुपए, 100 रुपए की चीज 5,000 रुपए, वहां जाको कचरा खरीदे तो भी घर के शोकेश में आ जाता। वहां एक साहब अपने कपड़ों की दुकान की इफ्तिता को मंजे बुलाए, मैं भी गया अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रिगेड रोड की दुकान की इफ्तिता करदार को मेरे दिल में भी ख्वाहिश हुई, आज मुसाफा मेरा मोटा छंगा बोलता है। मुसाफा का तो समझे नहीं, वो भी समझाता है, क्या हंसे नहीं देखो ज्यादा, की कहते इनका मुसाफा भी कमजोर है। मौली साहबों को देना कर तो जान देने के बराबर होगा, एक्स्ट्रा देवनों को उनकी मेहनत कर दे डालो, इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। गया दुकान में रखी कपड़ों की तिजारत की फजीलत पर 5-10 मिनट बयान किया, उसके बाद है ना दुआ करया, माना क्या कपड़े भी तुम्हारे दुकान में को बोलकर पूछिया, तो उन्होंने डिस्प्ले को कपड़े रखो थे, यहाँ सीखो नहीं है ड्रेव टेलर, यहाँ नीचे दिख रहा है, यहाँ है ना दीवानी औरत के चोटियां के लड़ा आ गई, नहीं तो रस्ते में ताड़ के झाड़ में लंबे लंबे लटक लेते थे बलता, ये मदर को सीना सही है, यहाँ भी सीखो नहीं है, यहाँ फटको है, यहाँ फटको है, यहाँ वो भी नहीं फटको, यहाँ फटको, ऐसा उठाया प्यांट कुछ उठा जाए, ऐसा ऐसा करको देखा, ऐसा पलटा 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 कोई एक टांग उठा कर देखा, हर जगह फटको है, होना क्या हजरत पूछा, मैं बोला ले को क्या करूं ताबीज बनाऊं, मरी कही मेरे वास्ते मेरी शरीर, फिर की हजरत इतना देख रही, मैं इसलिए देख रहा हूं हर जगह फटको है, अभी कहां फटको है देख, जल्दी चल जाओ हजरत, कई लाख रुपए देख कर लिया हूँ दुकान में, तुम्हारी तारीफ से मेरे दुकान का बिजनेस बर्बाद हो जाएंगे हजरत। नहीं बोलिया, मेरी तारीफ से तेरे दुकान का बिजनेस नहीं, तेरे दुकान के बिजनेस से हमारे वो मुसलमान जो ऐसी प्यांटे पहनते हैं उनका ईमान गलत हुआ। जेबा हजरत कितने ही, यहाँ जेब यहाँ जेब यहाँ जेब यहाँ जेब, बरान में जेब पीछे जेब ये फील्ड में जेब, बन को मारे तो पुलिस वाला भी देवर सी समझ को छोड़ाता, 10 रुपए निकलते नहीं जेबा, वो पैंट की फील्ड यहाँ से उतरी यहाँ आई यहाँ से उतरी यहाँ आई, अब ये है ना ये पैर के आखिरी हद तक की जो हड्डी है देखो, फारक बोलते इसे, ये हड्डी है नी, यहाँ आपको अटक को है, ख्याल तक
अरे 2-3 साल के बाद देखना और कितना उतरती बोल को। वैसी पैंट पहन ले को घुगू, तब भी आपको हमारे सामने खड़ता नमाज में। अब हमें भी तुम्हारे जमाने का आटा नमाज में कब भी हमारी निगाह हिस्सा उधर रत्ती रत्ती ज्यादा नहीं रत्ती रुकू को जाता नमाज में तुमने ख्याल आता। आपको खड़ते ही मेरा सूर्य फातिहा खत्म नहीं हुआ इसका पूरी रकात खत्म होगी ना। रुकू को जाता हमें अभी पढ़ने को थी सजदे को जाता निगाह पड़ जाती तो वाह तो वाह ऊपर से टी शर्ट निकलती है नीचे से वो प्यान बीच में बीजापुर तो बेंगलुरु हाईवे उसकी नमाज पर 1 सेकंड की नजर पड़ को हमारी नमाज मकरूह होगी। दौलत का नतीजा क्या मालूम है? दौलत का नतीजा जितनी दौलत उतने कपड़े कम, जितनी दौलत उतनी कपड़े कम। कपड़े अच्छे पहनो देखो नौजवान झुब्बे में इजारा में आज जलसा है बोलो रेगुलर पहने तो कितना अच्छा दिखता। कभी लिबास के शरई मसाई इस पे जलसा रखो बताऊंगा। मेरे बड़ो हंसने हंसाने की बात नहीं तुम्हारे जवानों की हर अदा पर नजर रखो वरना बाप बनकर तुम बेकार। तुम्हारे जवानों के हर अंदाज पे नजर रखो उसके लिबास पर लड़का हो के लड़की लिबास पर नजर रखो लिबास पर। दौलत ज्यादा कपड़े कम कितनी दौलत रही तो भी वो 3-3.5 मीटर कपड़ा मर गया तो कितना बड़ा करोड़पति मर जान दो कफन का कपड़ा कहां से लेते। अरे बोलो भाई क्या कह लेते अमीर साहब के दुकान में और भी कपड़ा कौसा काटन मीटर कितना 40 रुपए 50 रुपए। नहीं भाई हमारे बाबा पूरे मोहल्ले को गांव को डुबाई सो कम से कम आखिरी कपड़ा तो भी उनका रंग दो अच्छा 500 रुपए मीटर का कपड़ा। फुकाहा लिखते हैं कफन के लिए कीमती कपड़े लेना मकरूह है। हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया जब मरने का वक्त करीब आया अपने बच्चों को बुलाकर फरमाया कि बच्चों मेरे लिए नया कपड़ा खरीदना नहीं नए कपड़े के लिए मेरे से ज्यादा मुस्तहिक मदीने का कोई गरीब होगा इसी चादर को थोड़ी देर के लिए मेरे बेटे अब्दुल रहमान की चादर इस्तेमाल करता हूँ मेरी इन 2 चादरों को धोवो उसके बाद तैयार रखो थोड़ी देर में मैं अल्लाह और उसके रसूल से मिलने वाला हूँ मुझे पुराने कपड़ों ही में कफन दे देना अगर कपड़ा कम पड़ जाए तो फिर ऊपर से ढाक देना नीचे घास डाल देना। खाली रिश्ते पर बात चलेगी मोहम्मद बिन कासिम हाफिज़े कुरान मोहम्मद बिन कासिम साहिबे तरतीब मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ का दामाद क्यों इसलिए कि बेटे की जब भतीजे की जुर्रत और उसकी हिम्मत उसका तकवा उसकी तिलावत उसका हिफ्ज़े कुरान देखकर खुद चचा ने पैगाम दिया कि मोहम्मद मुझे तू बहुत पसंद है मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का निकाह तुझसे कर दूं तो भतीजे ने भी कबूल किया निकाह हो गया। 17 साल की उम्र थी तारीख में एक वाकया मोहम्मद बिन कासिम की जिंदगी का आज भी पढ़ते हैं तो फिर मेरे दोस्तों हमारे जवानियों में हमारे खून में गर्मी जोश जज्बा हिम्मत
हौसला तकवा तहारत पैदा हो जाती है। सुनो गौर से, एक मर्तबा हिंदुस्तान से लेटर आया। क्या आया? लेटर। वो जमाना लेटरों का था, ये जमाना व्हाट्सएप का था। लेटर भेजने वाले कौन? हमारे मुल्क की मजलूम औरतें। आज कोई मजलूम बच्ची अपने जुल्म को सामने रखकर याद करी? लेटर जाता है हिंदुस्तान से, लिखा है कि भाई मोहम्मद बिन कासिम, सलाम नहीं कलाम नहीं क्योंकि धर्म मुत्तफिक नहीं ना, भाई मोहम्मद बिन कासिम हम तुम्हारी इंसानियत में बहने लगती हैं, तुम्हारे पड़ोसी मुल्क में तुम्हारी बहने बहुत मजबूर और मायूस सितम ज़दा है, सुना है कि तुम अमन अमान का काम करते हो, जालिमों को अंजाम तक पहुंचाते हो, तुम्हारे चर्चे यहां तक पहुंचे हैं, हम भी तुम्हारी बहने लगती हैं, एक सफर यहां का भी कर देना, हमारे लिए मसीहा बन जाना, हमारे लिए सहारा बन जाना, हमारे लिए आसरा बन जाना, हमारे खाने पीने का इंतजाम न करना, हमारी इज्जत और आबरू की हिफाजत का इंतजाम कर देना। आहा, 17 साल के नौजवान से अपनी इज्जतों की हिफाजत के लिए रिक्वेस्ट करती है तो जरा तसव्वुर में लाओ अठनी के नौजवानों, वो नौजवान कितना पाक बाज होगा जिसको अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए औरतें बुलाती हैं। आज आज मेरे भाइयों, मुझे कहने का मौका दो कि आज हमारी जवानियां इज्जत की हिफाजत के लिए काम नहीं आ रही है बल्कि इज्जतें हमारी जवानियों से पनाह मांग रही है। एक शहर की एक मुसलमान बच्ची मुझे फोन कर कहती है कि मौलाना फला मुसलमानों का मोहल्ला जहां की मैं रहने वाली, मौलाना आप ये बात कभी उस मोहल्ले में आए तो बयान कर देना। क्या बेटी? उसने कहा कि मौलाना मैं जब काम से फारिग होकर मेरे घर को उस मोहल्ले से गुजर कर आती हूँ, मुझे छेड़ने वाला गैर कोई नहीं, खुद हमारे धर्म का बच्चा होता है जो मुझे छेड़ते हैं, एक नहीं पूरी गली छेड़ती है, मैं मजबूर होकर मेरी इज्जत की हिफाजत करने के लिए मैं 2 किलोमीटर दूर गैर मुस्लिमों का मोहल्ला घुसकर मेरे घर आती हूँ। एक अम्मा मुझे फोन करी, मौलाना जीना मरना मालूम नहीं मौलाना, की माँ मेरी बच्ची के कदम बहक गए, की माँ हजरत रात को 3-4 बजे मेरी बच्ची को एक नौजवान का फोन आता, मालूम हुआ कि वो नौजवान जुमा तुम्हारी मस्जिद में पढ़ता, गलतियां तुम्हें करते बदनाम उलमा होते। मैं बोला जरा देवमा नंबर फोन देखेंगे, वो माना नंबर लेको, मैं नंबर डेल करया, मैं जानता नहीं था, उन्हें मेरा नंबर फिट करया था, मेरा नंबर देखते कि नहीं कि उन्हें खुश होगा, अरे सलाम अलैकुम हजरत, हजरत मेरा नंबर तुमना कैसा मिला हजरत? मैं बोला एक फरिश्ता भी पहुंचाया था। मोहब्बतों के चक्कर छोड़ो, सच कहता हूँ 5 घंटे का उन्वान है कम से कम मुझे से तालिबे इल्म के लिए, मैं अशार को पढ़ते पढ़ते यहाँ पहुंचा हूँ, अभी नहीं बन जाओ, हाथ जोड़ता हूँ, बन जाओ नौजवानों, बन जाओ,
तुम्हारे बनने का इंतजार इस धरती को है, तुम्हारे बनने का इंतजार इस समा को है, तुम्हारे बनने का इंतजार सूरज और चांद को है। फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं कि इतनी बड़ी जमात में अबू बकर जैसा कौन है, इतनी बड़ी जमात में उमर जैसा कौन है, उस्मान जैसा कौन है। बन जाओ बन जाओ। कमाल ये नहीं कि आप पांच वक्त की नमाज पढ़े, कमाल ये है इस दौर में आप गुनाह छोड़े। कौन हजरत नंबर दिए, कौन की दिए बाप, तुम्हारा नाम ये क्या, खाओ तुम्हें हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ती हूँ, एक जुम्मा भी छोड़ता नहीं हजरत, वहां बैठू हजरत नहीं देखे नहीं हजरत, मई जुम्मे में अभी इतने बैठे ही कहा देखा क्या फोन करे सो क्या भी नहीं भी एक नंबर दे दू वो तुम्हें जानती क्या, देखो वो बच्ची का नंबर भेजा, अब शेख होगा उन्हें, हजरत ये नंबर कौन है तुम ना दिए, जो तेरा नंबर दिए उन्होंने ये नंबर भी दिए, कई खूब आई उनको तुम्हें तीन बजे चार बजे फोन करती सो कहता हूँ हजरत गलत समझा लोग हजरत तहज्जुद उठा तो सकती उल्टा गलत समझो लोग हजरत ताज्जुद को उठा रो सर ताज्जुद को उठाने का से उन्हें क्या मिली। कितने बेर नमाज यही फजर को उठाया, कितने बेर नमाज यही जोहर को बुलाया, कितने बेर नमाज यही असर मगरिब ईशा की दावत किया। इज्जतों की हिफाजत करने वाले खुद अगर इज्जतों के लुटेरे बन गए तो इज्जतों का क्या होगा। बात सही की गलत मेरे प्यारो है? अब इतना मैं तुम ना बोल डालिया तो अब बाज नौजवाना सवाल करेंगे कि हजरत मोहब्बत शुरू करने से पहले तो भी तुम्हें बयान करना था, हमें बहुत आगे बढ़ गई कैसा छोड़ना होता हजरत, नहीं भूल सकता हजरत उस समय। तवज्जो चाहता हूं, नहीं भूल सकता हजरत उस समय, नहीं भूल सकता। बाजार को जाकर कोतिमीर भूल जाता है, इसे नहीं भूलता। अल्लाह के लिए कुर्बान कर, अल्लाह खुद तेरे दिमाग से मिटाएंगे, उससे बेहतर चीज अता करेंगे। वक्त को देखता हूं तो हजरत मोहम्मद बिन कासिम का वाकया भी पूरा बोलने का मौका मिलता कि नहीं मिलता कि औरतें औरतें दुनिया की कौम की औरतें हमना इज्जत की हिफाजत के लिए याद करती हैं, हमारा माजी और पास और हमारी तारीख ये है। लेटर ले लेकर हज्जाज बिन यूसुफ के पास मोहम्मद बिन कासिम जाते हैं, चचा एक लेटर आया है, क्या बेटे हिंद की औरतें मजलूम हैं याद कर रही हैं, सुनो सुनो सुनो। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने भी कहा कि बेटे अजीब बात है, आज रात मैंने अजीब आवाजें उसी तरफ से सुनी जिस तरफ हिंद है, या अकी अंसुरना अंसुरना। बेटे मैं भी यही आवाज सुना, अरे हमारे भाई हमारी मदद कर हमारी मदद कर, जाओ बेटे जाओ जाओ फौरन जाओ, क्या होना तुम ना बोलो, सफर के लिए देने के लिए तैयार, कितनी फौज होना बोलो। अरे चाचा हमें अल्लाह को मानने वाले और अल्लाह को नहीं मानते, मतलब ये हुआ कि वो मुर्दे और हम जिंदा, मुर्दों से लड़ने के लिए जिंदों को फौज की जरूरत नहीं पड़ती, मैं और मेरा एक दोस्त दो जने जाकर जाती। हिम्मत देखो हजरत, बेटे उम्मीद है कि तुम्हारे दोनों से ही मसला हल हो जाएगा,
लेकिन जब मुल्कों के दरमियान में मसला आता है जरा हमारी ताकत भी दिखाना पड़ता बेटे। जाओ बेटे फौज लेकर जाओ। कितनी लेकर जाऊं चाचा? 1-2-3 हजार? नहीं बेटे, 25-30 हजार लेकर जाओ। नहीं चाचा उतनी जरूरत नहीं, जाओ बेटे लेकर जाओ। 19 हजार फौज लेकर 17 साल का नौजवान आ रहा है। क्रिकेट खेलना नहीं, दुश्मन से लड़ने भी नहीं, इंसानियत के रिश्ते से अपनी बहनों की इज्जत की हिफाजत करने के लिए। अब इधर जो था ना राजा, उसका नाम दाहिर था, उसे मालूम होगा कि अरब से मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक नौजवान एक फौज लेकर आ रहा है। मीटिंग राजा, क्या भाई कुछ खबर पहुंची? हाँ खबर पहुंची। क्या कहते? अरब से नौजवान आ रहा है मोहम्मद बिन कासिम, क्या किया जाए? एक वजीर उठा, बादशाह को चढ़ा को छोड़ा। असल में बादशाह वहां अच्छे रहते हैं, अतराफ अपना फरने वाले खराब करके छोड़ा होते हैं। मैं इसके वास्ते बोलता हूँ, सो हमारे मोदी जी भी बहुत अच्छे लेकिन ये हमेशा खराब कर रहा। एक वजीर उठा, उठकर कहने लगा राजा साहब डरने की जरूरत नहीं, पूरी रिपोर्ट है। 19 हजार का तैयारी, सो हमारे पास 2 लाख ही आन दो मसल डालेंगे। और एक वजीर हो जा, राजा साहब इन्हें पागल ही नहीं, गिनती मत देखो, आने वाले का हौसला देखो, गिनती और तादाद ना देखो, आने वाले की हिम्मत देखो, गिनती और तादाद ना देखो, आने वाले का इरादा देखो। आने वाला जो आ रहा है वो मामूली नहीं है राजा साहब, वो अपनी ताकत पर भरोसा करके लड़ता नहीं, वो जिसकी पूजा करता है उस पर भरोसा करके लड़ता है। राजा साहब आने वाला जो है ना वो मामूली फौज लेकर नहीं आ रहा है, हमने उसको और उसकी फौज को पढ़ा है कि जब वो आते हैं तो जीने की उम्मीद लेकर नहीं आते, मरने का जज्बा लेकर आते हैं। जीने वालों के साथ लड़ सकते हैं, जो मरने ही का इरादा कर लिया उसके साथ लड़ नहीं सकते। क्या किया जाए राजा साहब? एक ही चेक प्लान है क्या? आरी ना रस्ता, वो रस्ते में एक पुल है, वो पुल तोड़ डालो, नीचे से पानी, इतनी बड़ी फौज जबरदस्त पानी में तीर को नहीं आ सकती। हाँ तोड़ दिया जाए, तोड़ डाले। अब इधर हजरत की फौज आई, देखे तो पुल टुटको है, पानी स्पीड जा रहा है। मोहम्मद बिन कासिम तकरीर करते हैं कि भाइयों हम तक ये रिवायत पहुंची है, पूरे यकीन और खुलूस के साथ अल्लाह को राजी करने के लिए अच्छे काम से जब निकलते हैं तो कोई चीज़ रुकावट बनती नहीं। आज ये बहता हुआ पानी रुकावट बन गया है। हमने हमारे बड़ों से सुना है बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर दरिया में कूदते हैं तो आदमी डूबते नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे कदम रखेंगे पार हो जाएंगे। सबसे पहले मैं कदम रखता हूँ, मैं पार हो रहा हूँ तो तुम्हें भी बिस्मिल्लाह पढ़कर पार होना, मैं डूब गया तुम्हें वापस चल जाना। इसे बोलते बड़े, हमारे बड़े तुम लगा जाओ रे आप। तो तुम भी गुजरना, मैं डूब गया तो वापस आ जाना।
अब हजरत मोहम्मद बिन कासिम बिस्मिल्लाह पढ़कर कदम रखते हैं, ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई सहरा सूखा रास्ता। इसी वाकियात को सामने रखकर अल्लामा इकबाल ने शेर लिखा, दस्ती तो दस्ती, दस्ती तो दस्ती, दरिया भी न छोड़े हमने। बोले नहीं, बोल करीब दो घंटे गया हूं, बोलो रे बात सुभान अल्लाह। दस्ती तो दस्ती, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। पूरी फौज पानी में चलकर आई, इधर से उधर पार होकर देखते हैं, डूबना तो दूर की बात, तलवे गिल्ले भी नहीं हुए। अब उधर से राजा साहब आगे, पुल टूट गया ना, खुद पुल बन गए। अब क्या किया जाए? एक मंत्रवादी बैठा था, मंत्रवादी बोला तो जादू मक्कर करने वाले। राजा साहब तुम्हें डरो लो को, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है, मैं पढ़या तो उन्हें और उसकी पूरी फौज धस जाती। पढ़ो पढ़ो, पढ़ो। नहीं राजा साहब, यहां नहीं पढ़ सकते उसे, फिर जंगल में पढ़ना, जंगल है अतनी में, जंगल में पढ़ना। और मैं जब पढ़ूंगा वो मंत्र तो राजा साहब या तो मेरे साथ तुम्हें रहना या नहीं तो रानी रहना। अब तुम्हें मेरे साथ आगे मेरे पढ़ने से पहले उन्हें आगा मुश्किल हो जाएगा, तुम्हें यहां चले हो, रानी को बुला लो, बेटा को पढ़ पा तू। राजा रानी को बजा जागे जा। दो घोड़े बनाए, दोनों भी भेजे, साजो सामान भी भेजे मंत्र पढ़ने के, वहां जंगल में जाकर उतरे। उतरते की नीति जबरदस्त, बिस्तर बिछाया गया, शाल बिछाई गई और कालीन बिछाया गया। बैठने के बाद मंत्रवादी ने घूर घूर कर रानी को देखने लगा, तो रानी तो समझ गई औरत बड़ी होशियार होती, तो फौरन रानी पूछी मंत्रवादी से कि भाई ऐसा क्यों घूर रहे, मंत्र पढ़ो। तो मंत्रवादी ने कहा यही तो मंत्र है, अरे मंत्र पढ़ो, यही तो मंत्र है, हम कोई मंत्र पढ़ने नहीं आए, तुमको पाने आए। जब पहली मर्तबा हमने तुमको देखा तो हमने भगवान पर भी शिकायत कर दी, अच्छी अच्छी औरतें तो राजाओं को मिलती है और हमको ऐसी मिलती है तो देखे तो उठने नहीं होता। अब तुम्हें मजबूर की मसरूर की, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हमारी जरूरत पूरी कर देंगे। अरे राजा को मालूम होगा तो तुझे टुकड़े कर दे, राजा के पास कौन जाएगा, जरूरत पूरी इधर से भाग जाएंगे। तू तू मई हो रहा था, एक नौजवान घोड़े से वहां गुजरता है, देखता है तो जंगल है, चांदनी रात है, जबरदस्त बिस्तर है, दोनों के दरमियान तू तू मई हो रही है। नौजवान ने पूछा क्या है, डुबते को तिनका काफी। रानी ने कहा प्यारे प्यारे बचा ले बचा ले, मेरी इज्जत पर हमला हो रहा। नौजवान उसके हाथ में नंगी तलवार, मंत्रवादी ने देखा, कहने लगा नहीं 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 नहीं, हमने इज्जत पर हमला नहीं करने नहीं है, हम एक मंत्र पढ़ने आए हैं, हमारे मुल्क में एक दुश्मन आया उसे धसाने का मंत्र पढ़ने आए हैं। रानी कहने लगी कि पढ़ने तो आए थे लेकिन आने के बाद इन्हें दूसरा मंत्र शुरू किया। रानी की जुबान में सदाकत, मंत्रवादी के चेहरे में झूठ। ऐसा एक वार किया कि मंत्रवादी का सर जाकर कहीं पड़ गया। फिर उस नौजवान ने कहा कि चलो
भरोसा करके कहीं कहीं आ जाती है तुम औरतें, चले जाओ। रानी ने कहा कि ओ ओ ओ महल दूर है हमारा, अकेले जाने डर लगता है, जरा हमको वहां तक छोड़ दो इस अंधेरी रात में। तो नौजवान ये सोचो लोग हमें वहां रहते तो अच्छा रहता था ना, बोलते रहे खाली किस्सा सुनो। अभी आती है जाना है, हमें बोल दिन जाती है किस्से आगे तो जाते ही काम किए लगा, हमें गलियां में रहते हैं हाईवे चल जाते हैं। अरानी ने कहा हम गजरा महल तक छोड़ दो बाबा। तो नौजवान ने कहा कि महल तक तो तुमको छोड़ेंगे लेकिन हमारी तीन शर्तें हैं। रानी सोचने लगी बूढ़े से अटके निकले जवान में अटके, क्या शर्त ही की ना इसके। तो नौजवान ने कहा कि पहली शर्त ये है, हमारे साथ तुम तुम्हारे महल तक अगर आना है तुम्हारे पैरों में जो घुंघरू है ना पट्टी चैन, उसे निकालना पड़ेगा। बोला ना मुस्तनद वाकिया जबरदस्त, निकालना पड़ेगा हमारी पहली शर्त, क्योंकि औरत के पैरों की घुंघरू की आवाज शैतान का बाजा होता है, हम शैतानों के साथ चलते नहीं। तकवा देखो मलाका, इन्हें कान में बुलू तो तारक लो, क्या इसे मर्गी की बीमारी आ गिरा पड़ जाएगा। पूछे तो क्या हजरत, क्या हजरत, सलाम अलैकुम, क्या हजरत कहता, सलाम अलैकुम रे बाबा, क्या हजरत की, ये तो सुने नहीं आ रहा है बूढ़े को। दूसरी शर्त, रास्ता बताने वाला सामने होगा पूछने वाला पीछे होता है, लेकिन आज हम कानून बदलते हैं, तुम पीछे से रास्ता बताओगी हम आगे चलेंगे, क्योंकि हमको औरतों के पीछे चलना हमारी ताकत के खिलाफ है। गाड़ी में भाभी को गाड़ी का हैंडल दे दो रखो, पीछे बच्चे को रख लो बैठा ही गया चलना उन्हें चला रही है, उन्हें बच्चे को संभालना डाउट करना उन्हें जनी ने जनिया। व्हाट इज द प्रॉब्लम, वो कहा फरमाते हैं मियां बीवी भी अगर चलकर जाते हैं तो कम से कम एक कदम तो औरत पीछे रहना, गल्ले में हाथ डाल कर की बात मेरी जरूर हजरत, भाई कब बोले मेरी बोल को। मेरी जरूर बा, लेकिन बाहर के माहौल में एहतियात तकवा है। गाड़िया में औरतों को बिठाए तो भी तकवे से बिठाओ, पकड़ लो तो क्या बोल लो, वो गाड़िया भी ऐसे गाड़िया रहते ही चलाने वाले की सीट ग्राउंड फ्लोर में, बैठने वाले की सीट फर्स्ट फ्लोर में, पूरा ऊट पड़ जाना शक्कर का मूठा पड़े सका। क्या बेशर्मी का दौर आया, क्या बेशर्मी का दौर आया। एक गैर मुस्लिम भाई मुझे जलसे को बुलाए, इंसानियत के नाम मोहब्बत का पैगाम, सिख भाई थे उन्होंने मुझे बुलाया, उसमें गैर मुस्लिम औरतें भी बैठी थी, मुसलमान भी बैठे थे, मर्द भी बैठे थे, सब बैठे थे। मैंने जब ये बात गाड़ियों की बेहयाई पर बात किया तो अच्छी बात अच्छे लोगों को अच्छी लगती है, उन्होंने उठकर ऐसे हाथ जोड़कर कहा कि गुरु जी बहुत अच्छी बात बताई, आजकल का जनरेशन जब जाता है तो खुद हमारी निगाहें शर्म की वजह से झुक जाती है। दूसरी शर्त है रानी, हम आगे तुम पीछे। तीसरी शर्त, तुम्हारी मंजिल आने तक हमसे बात नहीं करूंगे बीच रास्ते में। नौजवाना चुपके थे भी एड्रेस पूछता, अथनी का जाना रहे खड़ी रही बचपन में तुम्हारे सब एक्टिंग जान को मेरा बाला सफेद हुए ही।
पूछता अथनी इधर की उधर उन्हें भी पूछने वाले को पहचान लेती इसे मालूम होकर पूछता कि अनजाने में पूछता कि बोलकर उन्हें भी गलत रास्ता बताती जाते जाते देवाल सी डालने गया तो मंजर डाल ले गया गैर औरतों से बात करना भी फितना बस में चढ़ गए बुड्ढा आता सीट छोड़ को उठते नहीं बच्चे को उठा लगो आती चुपके थी तो सोगा समझ जाना उन्हें बुड्ढी आती उत्तम कौन दुबी चढ़ को जवान औरत आगे तो एक्सक्यूज मी प्लीज सिट डाउन हियर दिस सीट इज फॉर लेडीज उन्हें भी बैठते बैठे थैंक यू ब्रदर पूरा एहसान पट्टी में मिल जा पूरा एहसान पट्टी में मिल जा तो 5 मिनट में बात खत्म कर देता हूँ बहुत जल्द निकलना है मुझे लेकिन आपके जज्बात और मोहब्बत देख कर तो अभी 12 बजे तक बैठने का इरादा है लेकिन जरूरी है मुझे बहुत जल्द फजर तक बेंगलोर पहुंचना है 2 घंटे से ज्यादा बात हो गई फिर कभी हाजिर रहूं तो इंशाअल्लाह ताला नौजवानों तुम्हारे मुतालिक की बात करूंगा इंशाअल्लाह ताला अब तक जितनी बातें उस पर अमल करो वाकिया सुन लो मर्दी क्या ना करती रानी ने कहा मंजूर 3 शर्तें पायल निकाली पीछे तैयार हो गई खामोश रही जब मंजिल आई तो रानी ने कहा कि हाँ हमारी मंजिल आ गई आप चाहे तो हमारे साथ आ सकते हैं हमारी इज्जत की तुमने हिफाजत की हम तुमको इनाम दे नहीं 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 जाओ हम किसी पर एहसान करते हैं तो इनाम के बदले में एहसान नहीं करते उस रब को राजी करने के लिए अरे जाते जाते कम से कम इतना तो बताते जाओ कि तुम हो कौन तो तब नौजवान ने कहा जिसको मंत्र पढ़कर दफनाने के लिए आए थे वो कोई और नहीं मैं ही हूँ ना मोहम्मद यस क्या मजहब है तुम्हारा ये जवानी में ये तकवा इस्लाम तुम्हारे गुरु उसी का नाम मैंने तबर्रुकन रखा उसका नाम भी मोहम्मद है जिसका मैं गुलाम हूँ तो उस रानी ने कहा गुलाम का छोटे मोहम्मद का ये हाल है तो बड़े मोहम्मद का आलम क्या होगा देख ले को खड़गी ये जवानी ये तकवा चांद तारे ही क्या देखते रह गए ये अर्जो समा देखते रह गए पढ़ के जिब्रील सूरे वज़ुहा पढ़ के जिब्रील सूरे वज़ुहा सूरत मुस्तफा देखते रह गए रानी कहती है जाओ बेटे तुम्हारे जैसे नौजवानों का मुकाबला करने की हिम्मत हमारी हुकूमत के पास नहीं है कल ये मुल्क तुम्हारे हाथ में 17 साल का नौजवान खाली अखलाक बताकर मुल्क को फतह कर लिया 17 साल का नौजवान ये कुत्तों की तरह भोंकते हैं हमने दीन को तलवार से फैलाया हमने दीन को तो मोहब्बत से फैलाया है अखलाक से फैलाया 17 साल का नौजवान अखलाक तकवा इज्जत और इस्मत बताकर मुल्क फतह कर लिया नौजवानों आज भी तुम अखलाक दिखाओ ईमान दिखाओ इस्लाम दिखाओ आज भी दुनिया तुम्हारे सामने सर झुकाने तैयार है मैंने बर्थडे की बात छोड़ दी और फजीलतें छोड़ दिया वो उजाले और अंधेरी की बात छोड़ दी फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा आपकी खिदमत में रखूंगा बोलो इंशाल्लाह अपनी जवानी की हिफाजत करेंगे कौन कौन करेंगे हाथ उठाओ माशाल्लाह
कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, मोबाइल से बचेंगे। एक आखिरी और एक बहुत ज्यादा मेरा पसंदीदा अमल आपके सामने बताता हूँ। रास्ते में घर से निकलते ही पूरा काम बाहर का करके वापिस घर को आने तक सच्चा वादा करना। कौन कौन अपने निगाहों को नीचे रखेंगे, हाथ उठाओ। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा या हसन जज़ा। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आ